अतुल्य पराक्रम, अस्सी वीरता, अमर बलिदान, भारतीय सैनिकों के वीर योद्धाओं और उनके परिवारों के अमर त्याग और बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आइए एक ऐसे वीर सैनिक के अमर त्याग और बलिदान के बारे में जानते हैं जिन्होंने अकेले 72 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जो आज भी शहीद होने के बाद भी उनकी आत्मा सीमा पर तैनात रहती है और भारत माता की रक्षा करती है। यह कहानी है सन 19 अगस्त 1941 वार मंगलवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बुरियान गाँव के राजपूत परिवार में जन्मे जसवंत सिंह रावत की। जसवंत सिंह रावत की माता का नाम लीलावती और पिता का नाम गुमन सिंह रावत था। वीर जसवंत सिंह रावत को बचपन से ही भारतीय सेना में जाने और मातृभूमि की रक्षा करने का सपना था। इस सपने को पूरा करने के लिए जसवंत सिंह रावत मात्र 17 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए चले जाते, लेकिन कम उम्र होने के कारण वापस आना पड़ता है। लेकिन फिर 2 साल बाद 1966 को मात्र 19 साल की उम्र में भारतीय सेना में सैनिक बन गए और 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जसवंत सिंह रावत को सेना में राइफल मैन पद के लिए चुना जाता है। जसवंत सिंह रावत को राइफल मैन पद मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश की गढ़वाल राइफल में शामिल किया जाता है। लेकिन वीर जसवंत सिंह ने यह कभी नहीं सोचा था कि अगले दिनों उनके साथ क्या होने वाला है। करीब सुबह के 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से सेल्टा टॉप के नजदीक धावा बोल दिया, लेकिन चीनी सैनिकों को यह नहीं पता था कि उनका सामना मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी नामक सैनिक टुकड़े से होने वाला था। जसवंत सिंह रावत इसी का हिस्सा थे। मौके की नजाकत को देखते हुए जसवंत सिंह रावत तुरंत तैयार होकर और उन्होंने अपने साथियों के साथ इस युद्ध में कूद पड़े। इसी दौरान 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई भारत चीन की लड़ाई अगले 72 घंटों तक जारी रही। इसी बीच जसवंत सिंह रावत अकेले ही चीनी सेना पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रोकने पे कामयाब तो हुए, लेकिन उन्हें पीछे नहीं देख सके। कहते हैं कि लड़ाई के बीच उन्हें पीछे हटने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जसवंत सिंह रावत और उनके दो साथी त्रिलोचन सिंह नेगी और राइफल मैन गोपाल सिंह गुसाई ने मना कर दिया। दरअसल में उनकी सैनिक टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोली बारूद खत्म हो चुकी थी। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब है कि मौत को गले लगाना। लेकिन जसवंत सिंह रावत और उनके साथियों के अंदर तो मातृभूमि की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। इसी युद्ध में अरुणाचल प्रदेश की दो बहनें शैला और नूरा ने इसी युद्ध में जसवंत सिंह का साथ दिया था। कहते हैं कि उनकी सारी साथी शहीद हो गए तो इन्हीं दोनों बहनों के साथ मिलकर जसवंत सिंह रावत ने अलग अलग जगह से गोलियां चलाना शुरू कर दी, इससे कि चीनी सेना भ्रमित हो गई। लेकिन कुछ देर बाद शैला और नूरा भी शहीद हो गई। इसी बीच अकेले जसवंत सिंह रावत चीनी सेना का सामना करते हुए शहीद हो गए। कहा जाता है कि चीनी सेना ने शहीद हुए जसवंत सिंह रावत का सिर काट कर ले गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद सम्मान के साथ उनके सिर और एक पित्तल से बनी हुई मूर्ति भारतीय सेना को भेंट की। आज भी भारतीय सेना का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा सीमा पर पहरा देती है और भारत माता की रक्षा करती है।